आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्ते, प्रश्न है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं और उसके बाद इसके दो विकर्ण हैं उनको बना लेते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो कोण है ये 90 अंश है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वो समचतुर्भुज है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है, ये भी, तो इसका मतलब ये भी 90 अंश का होगा, सारे 90 अंश के कोण हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब कि यहाँ से अगर ये बिंदु O है जिस पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो OA बराबर होगा OC और OB बराबर होगा OD के, क्योंकि समद्विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज OAD और OBC की बात करते हैं। त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC की बात करते हैं, तो यहाँ पर OA बराबर है आपका OC, OB बराबर है आपका OD और कोण AOD बराबर है कोण BOC के, दोनों 90 अंश है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOD है ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC से। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो AD है वो बराबर होगा BC के, AD BC के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो पहली स्थिति आ गई है हमारे सामने, AD BC के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर हम त्रिभुज OAB और त्रिभुज OTC ले लें तो यहाँ से OA बराबर हो जाएगा आपका OC, इसी तरीके से OB बराबर हो जाएगा आपका OD और कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण BOC के, दोनों 90 अंश हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से AB बराबर आ जाएगा CD के, AB बराबर CD, इस हिसाब से ये बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से AB बराबर CD है और AD बराबर BC, यानी सम्मुख भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन समचतुर्भुज होने के लिए जो है वो पार्श्व भुजा यानी कि AD बराबर AB भी सिद्ध होना चाहिए। तो चलिए AD और AB की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, ठीक है, तो अब चलिए हम AD और AB पे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB पर बात करते हैं, त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB पर बात करते हैं। अगर आप देखें यहाँ से तो AO बराबर है AO के, दोनों में बराबर है, इसके अलावा OD बराबर OB है, OD बराबर OB है और इसके अलावा कोण AOD बराबर कोण AOB है, कोण AOD बराबर कोण AOB है, दोनों है 90 अंश। इसका मतलब यहाँ से भी ये सर्वांगसम हो गया CPCT से, यानी कि त्रिभुज AOD भी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB के। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं AD बराबर AB, हम कह सकते हैं AD बराबर AB और अभी AD बराबर किसके सिद्ध किया था हमने, BC के, तो AB बराबर BC हो गया और BC बराबर अभी हमने सिद्ध किस और AB हमने अभी AB किसके बराबर सिद्ध किया था, CD के, इस हिसाब से चारों हो जाए बराबर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।